चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली स्पेशल की। केरल में हो रही बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज दिल्ली में जनरक्षा यात्रा निकाली। दिल्ली के सेंट्रल पार्क से शुरू हुई यात्रा 2 किलोमीटर चलकर सीपीएम के दफ्तर तक पहुंची। इस यात्रा में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या के विरोध में बीजेपी जनरक्षा यात्रा निकाल रही है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सेंट्रल पार्क से ये यात्रा निकली है और तकरीबन 2 किलोमीटर तक आगे चलती हुई ये यात्रा जो कम्युनिस्टों का जो गोल डाकखाने के पास ऑफिस है वहां तक जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस यात्रा को जो है हरी झंडी देकर रवाना किया है और यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने कम्युनिस्टों पर तीखा हमला करते हुए ये साफ साफ कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं पर जो उनके खिलाफ जो हिंसक घटनाएं हो रही है उसको बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरी की पूरी पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चट्टान की तरह डटकर खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो इस यात्रा के आगे आगे चल रहे हैं। विजेंद्र जी कहाँ तक जाएंगे? सीपीएम कार्यालय तक। मकसद क्या है यात्रा? मकसद ये है कि हिंसात्मक गतिविधियों का विरोध, जो हिंसा हो रही है केरल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो मारा जा रहा है उसके विरोध में। लेकिन आरोप तो आप पर यह लग रहा है कि केरल में आप राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर संभाले वो और लॉ ऑर्डर दुरुस्त करे, लेकिन हत्याएं बर्दाश्त नहीं होगी। जैसा विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं वैसा ही एक सीपीएम वाले भी करने की तैयारी। हाँ तो वो अपनी अपने अपराध को छुपाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो पहले करते कुछ। साफ साफ बीजेपी के जो तमाम जो नेता है वो यहाँ पर विरोध के तौर पर जो है अपनी जन रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं और ये जन रक्षा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है और ये केरल से शुरू की गई थी और आखिर में ये यात्रा केरल में ही जाकर खत्म होगी। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में जनरक्षा यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान अमित शाह ने केरल में आरएसएस और बीजेपी वर्कर्स की हत्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केरल में हमारे कार्यकर्ताओं के टुकड़े किए जा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को इसके लिए शर्म आनी चाहिए। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से बातचीत की हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने। की जनरक्षा यात्रा आज दिल्ली पहुंची है और उस यात्रा पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी है। मनोज जी, केरल का मुद्दा दिल्ली से उठ रहा है, क्यों? अगर देश का कोई व्यक्ति मरता है तो हमें ये पूछना चाहिए कि वो केरल के मरे हुए लोगों का दिल्ली में दर्द क्यों? देश का एक भी व्यक्ति मरता है भारतीय जनता पार्टी को उसका दर्द होता है। और ये आप तस्वीर देखिए, आप यहाँ पे जो ये लगाए हुए हैं अभिवेक जी, ये सब तस्वीरें एक साल के अंदर मारे हुए लोगों की है। एक साल के अंदर इनके ब्रूटल मर्डर्स को आप देख लीजिए, ये ही बता देंगे कि सीपीएम सरकार ने किस प्रकार से उन लोगों को चुन चुन कर मारा है जो राष्ट्रवादी थे, जो भाजपा आरएसएस का समर्थन करते थे। अगर ये दर्द केरल का है तो ये केरल का नहीं, केरल भारत का एक हिस्सा है और भारत के किसी हिस्से में किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का बच्चा, किसी की मां मरेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमें दर्द है लोगों के हत्याओं। सीपीएम इस पर आरोप आप पर ये लगा रहा है कि आप ये मुद्दा उठाकर राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। अगर ये हत्याओं का विरोध करना राजनीति है तो यही राजनीति होनी चाहिए। अगर सरकार कोई सत्ता में आकर के हत्याएं कराती है तो उसका विरोध करना अगर राजनीति है तो यही राजनीति होनी चाहिए। देश अहिंसा का देश है, गांधी जी का देश है, यहां हिंसा नहीं चल सकती। और अगर सीपीएम को इतना दर्द था आज क्यों बोल रही है, जब पूरा उसका पाप, उसका चरित्र, हत्याओं का, राजनीति का पूरे देश में फैल गया तब वो बोल रही है ना।
हम इसको जन जन तक पहुंचाएंगे और बताएंगे सीपीएम हत्यारी सरकार है, इसके मूल में हत्या करके सत्या पे आना है, जो विरोधी होगा उसका गला काट दो, इस देश में नहीं चलेगा। आप लोगों के मुताबिक केरल में लगभग पिछले एक साल से 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है, तो क्या वक्त है केरल में कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी संविधान का अंत तक संविधान का सम्मान करती है, चुनी हुई सरकार है, होश में आ जाए वरना संविधान उसको ठीक करना जानता है। बस एक और आखिरी सवाल, आप जैसा यात्रा निकाल रहे हैं ऐसी यात्रा सीपीएम भी निकाल रही है, वो भी आपके दफ्तर तक जाएगी? आज क्यों निकाल रही है, कब निकालेगी? अगर सीपीएम ने यात्रा निकाल दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, चूंकि सीपीएम ने हत्याएं कराई, अब जब उसका चरित्र पर्दाफाश हो गया तब वो यात्रा करे, इसका मतलब कि वो हत्याओं को नहीं बचाना चाहती, वो अपना फेस बताना चाहती। ये थे मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जो बीजेपी देश भर में जन रक्षा यात्रा निकाल रही है। कैमरामैन संदीप के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।